गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप किया है, सिर्फ फाउंडेशन लगाया है, कॉम्पैक्ट लिपस्टिक और अपने ड्रेस से मैचिंग थोड़ी लाइट कलर की आई शेडो। मैंने लाइनर नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे कलर वगैरह लगाते हैं फिर आके मुंह धोना होता है और लाइनर वाटरप्रूफ हो जाता है तो बहुत बड़ा काम फैल जाता है इससे मेरे लिए, तो इसलिए मैंने लाइनर नहीं लगाया, मस्कारा लगाया। और ये वाली मैंने बैंगल्स डाली हैं इसके साथ, ये मेरे पास वेलवेट की बैंगल रखी हुई थी मैरून कलर की। और ये मेरा चूड़ा सेट के कंगन है, ये मैंने इसमें मिक्स करके ये वाला सेट बना के बैंगल पहनी है, तो आप देख सकते हो। तो गाइस मैंने आज होली के लिए ये वाली ड्रेस पहनी है, इसका फैब्रिक है रियोन और ये एक वन पीस गाउन है और ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था, आप देख सकते हो। और इसके नेक पे टाई बनी हुई है और इसमें पर्ल्स का वर्क हो रखा है, आप देख सकते हो नेक पे ये छोटे छोटे बीड्स भी लगे हुए हैं व्हाइट कलर के और ये थ्रेड से फ्लावर बने हुए हैं इसके अंदर, तो इससे इसका बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और ये इसका दुपट्टा है मसलिन का ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर की यहाँ पे स्लीव्स पे ये वाली पट्टी दे रखी है और आप देख सकते हो इसकी फ्लेयर भी काफी अच्छी है। और मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप किया है, आप देख सकते हो। मैंने पहले मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद लगाया मेबलिन का फाउंडेशन शेप नंबर 220 और उसके बाद मैंने लगाया कॉम्पैक्ट, वो भी मेरा मेबलिन का ही है, मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट। और फिर मैंने आई शेडो लगाई अपने ड्रेस से मैचिंग लाइट कलर की आई शेडो लगा रखी है मैंने और मस्कारा लगाया है, लिपस्टिक लगाई है और सिंपल हेयर स्टाइल बनाया मैंने, आप देख सकते हो। मैंने पहले बीच की मांग निकाली और थोड़े से बाल मैंने यहाँ से लिए और टिक टक लगा दिया और थोड़े से बाल यहाँ से लिए फिर टिक टक लगा दिया, तो उसके बाद मेरा ये वाला हेयर स्टाइल बन गया। और मैंने सूखा सिंदूर लगाया क्योंकि सूखा सिंदूर लगाने से फेस्टिवल पे एक अलग ही ट्रेडिशनल लुक आता है। और मैंने इसके साथ ये वाली ज्वेलरी पहनी है, ये भी मैंने मीशो से बाय की थी और ये वाली इयररिंग्स, मेरे इयररिंग्स पे गणेश जी बने हुए, ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किए थे। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा ये वाला लुक कैसा लगा और आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिए, हमने होली की पूजा कैसे की मैं आपको ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। प्लीज ब्लॉग को पूरा देखें और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गाइज अब हम जा रहे हैं होली पूजने, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, चाची भी, मम्मी भी, मम्मी ने ऊन ओढ़ा है देखो असली गुजरी स्टाइल में है मम्मी। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ताई जी और सभी जो तैयार हो गई हैं सभी इकट्ठा होके खड़ी हो गई हैं, बाकी जो अभी रेडी नहीं हुई हैं वो आई नहीं है, तो सब हम एक साथ ही होली पूजने के लिए निकलेंगे, तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं जो अभी घर से नहीं आई हैं तैयार होके, बाकी सब यहाँ पे आ चुकी हैं, हम एक साथ ही होली पूजने जाते हैं पूरी फैमिली, तो आप आगे देखेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो ये हमारा चौक, यहीं पे हमारी होली गुजती है और यहीं पे सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो अब हम करेंगे होली की पूजा। अब यहाँ पे पूजा करने के बाद होली के चारों तरफ परिक्रमा देनी होती है, तो फिर हमने ये वाली परिक्रमा की होली की, तो इसमें मेरा पूरा जो मैंने गाउन पहना हुआ था पूरा वो कीचड़ में हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ था, आप देख सकते हो। मुझे ये पहन के नहीं आना चाहिए था, कुछ और पहनना चाहिए था, बट कोई नहीं, होली है, बुरा ना मानो, होली है।
तो गाइस यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और होली खेलते हैं। तो जो हमारे हमसे बड़े होते हैं उन्हें हम हल्दी से टीका लगा के उनके पैर छूते हैं, और जो बाकी होते हैं सबको हल्दी लगा के होली सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपके वहाँ पे होली कैसे खेलते हैं। और अगले दिन हम रंग से होली खेलते हैं, वो भी मैं ब्लॉग ज़रूर डालूंगी नेक्स्ट पार्ट, तो मेरा वो वाला ब्लॉग भी आप देखना। अब हम पूजा करके घर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और अब हम यहाँ पे सब इकट्ठा होके अपनी एक रील बना रहे थे, तभी ऊपर से हमारी जो बड़ी दीदी की बेटी है उन्होंने हमारे ऊपर पानी डाल दिया, होली की शुरुआत कर दी। तो अभी आप देखना, ये हमने इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई थी। और बाकी मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।